हेलो एवरीवन, वेलकम टू इस्लामिक रीजनिंग चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होने जा रही है इस्लामिक रीजनिंग चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पिछले साल की क्वेश्चन है, जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में जो पूछा गया, आप देख भी रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर। तो इसी से मैं बताने जा रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आए कि इस साल भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन इस तरह आते हैं, दिनियात अव्वल, सब्जेक्ट दिनियात, टाइम 3 घंटा आपको दिया जाएगा, 3 आवर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, हत्तल इमकान अपने अल्फाज में जवाब दें, हर सवाल के सामने नंबर दर्ज है, यानी हर सवाल के सामने जो है नंबर दर्ज है कि ये सवाल कितने नंबर का। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कैसे सवाल है। अब देखिए कुरान शरीफ 29वां पारा, ये कुरान शरीफ के 29 पारा से आपको सवाल पूछा है इसमें, और इसमें बताया गया 50 नंबर का सवाल। आगे देखिए क्या है, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज नबाता, इसका कह रहा है कि तर्जमा करके बताइए कि अंबतकुम से क्या मुराद है, इंसान, घास, दरख्त या फल। ठीक है, आपको इसका तर्जमा करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में क्या है, यौम यक्षिफ अन साकी वयदउन इला सुजूदी वला फला तस्ततीउन। ठीक है, इसके बाद उसका कह रहा है तर्जमा के बाद यौम और साकी तशरीह कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तर्जमा के बाद बताइए कि क्या मौत ज़ायक़ा दार चीज़ है, खुलासा तहरीर कीजिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आसमानी दुनिया में पूरा कुरान उतरा या आधा या चंद आयतें, तफसील से तहरीर कीजिए। यानी कह रहा है कि आसमान और दुनिया में जो पूरा कुरान उतरा या आधा उतरा या एक ही आयत, 2 ही आयत उतरा, उसी का कह रहा है तफसील से, यानी तशरीह कीजिए उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए नुज़ूल कुरान के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह की आवाज़ महसूस होती थी। ठीक है, इंसानी आवाज़, मधुमक्खी जैसी आवाज़ या और कुछ, ये इनका आंसर में इसको आपको, ये आंसर है इसका। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए इनका आंसर है, ये सवाल नंबर 5 का आंसर है, इसमें से जो सही आंसर उसको चूज़ करके आपको देना। ठीक है, उसके बाद देखिए तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैह, तर्जमा के बाद बताइए कि यहाँ मलाइका से कौन फरिश्ता मुराद है और उसका अरूज कहाँ तक है। उसके बाद देखिए चौथे आसमान तक या सिदरतुल मुंतहा, देखिए आंसर दिया हुआ यहाँ पे, इनमें से कुछ ना कुछ एक या दो, एक सही होगा, चौथे आसमान तक या सिदरतुल मुंतहा तक, इनका आपको जवाब देना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हज़रत हव्वा से कितनी औलाद हुई, 10 या 20 या 30 या 10 40 या 80 हुई, इसको आपको लिख देना, इसमें जो आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, रसूलुल्लाह कितने साल हयात से रहे, 40 साल 53 साल या 63 साल, मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साल की उम्र में वफ़ात हो गई थी, वो दुनिया में कितने साल अपने को कितने साल जिए थे दुनिया में, अपने भाषा में समझिए। उसके बाद देखिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को किस ख़त में उतारा गया, सरांदीप, मिस्र, अरफात, यमन के ख़त में। उसके बाद देखिए 10 नंबर में क्या है, किसी एक आयत को लिखकर तर्जमा और अहकाम बनाइए, उसी का है ये, क्या कहते हैं, दिनियात अव्वल का ही है ये भी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हदीस, इसके भी 50 नंबर का सवाल है, हत्तल इमकान 5 सवालात के जवाब दें, यानी 5 ही सवाल का जवाब देना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या सवाल, अब आगे ही भी देखिए, आप इतना तो बताने का वक्त नहीं, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसी वजह से देखिए कुछ कुछ बता देते हैं आपको। देखिए इसमें हदीस दे दिया ऊपर, ठीक है, ये हदीस दे दिया और इसका कह रहा है तर्जमा करने के लिए, इस देखिए यहाँ पर है ना, तर्जमा करके बताइए कि फरिश्ता जहन्नम को कहाँ ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हदीस दे दिया यहाँ पे, ये देखिए हदीस दिया हुआ है, उसके बाद इसका कह रहा है तर्जमा करने के लिए। ठीक, देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुनन कौन सी जमा है, जमाए मुकस्सर, जमाए मुंतहिल, जमाए सालिम, समासी या क्यासी, इसका कह रहा है आपको देने के लिए आंसर। उसके बाद देखिए आसार उसर का तर्जमा करते हुए बताएं कि असर किसे कहते हैं, कौले रसूल को या कौले सहाबा या कौले ताबईन को, इसका यहाँ पे दिया हुआ आंसर, इसमें से किसी जो एक सही होगा उसको चूज़ करना। ठीक है, उसके बाद देखिए हदीस के सिलसिला रवाह में उमर और उमर को किस तरह लिखा जाता है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली के वालिद का नाम क्या है, आपको इसका आंसर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अहादीस को जमा करने का हुक्म किसने दिया था,
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उस्मान बिन अफ़ान या और कोई दिया था, तो उसका आंसर देना। ठीक, उसको देखिए, किस सन हिजरी में हदीसें जमा की गई। किसी एक हदीस को लिखकर तर्जमा और तशरीह कीजिए। अपने मन से कोई हदीस को लिख लेना, उसका तर्जमा कर देना, हदीस और कुरान में क्या फ़र्क है। यानी कह रहा है कि हदीस जो है और कुरान जो है उसमें क्या क्या फ़र्क है, वो लिखने के लिए कह रहा है। तो ये दिनियात अव्वल का वीडियो था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, दुनिया टू कोई वीडियो लेकर, या आपको अरबी की वीडियो मिलेगी। फिर तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।